ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का एक एग्जाम्पल देखा था, बराबर। आज हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है तो कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, एक बार फिर से समझिए, अभी समझाता हूँ क्या क्वेश्चन कह रहा है वो। बच्चे लोग, हमारे पास कितने हैं? दो सॉल्यूशन है, एक है 300 ग्राम और 25% और दूसरा है 400 ग्राम ऑफ 40%। ये दोनों सॉल्यूशन को हमको मिक्स करना है, तो फाइनलिंग जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन निकलता है, जो बनता है, उसका हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज, बराबर है, उसका परसेंटेज। लेकिन किस में? तो कि बाय मास में कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? दो तरह की चीज होगी, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। ओके, तो बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो हमको दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट का भी निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का भी निकालना पड़ेगा, लेकिन किसका? टोटल का। तो टोटल अमाउंट तो भी मालूम होना चाहिए, कितना है इन दोनों का वो। तो हमको क्या करना है? टोटल सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और टोटल सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है वो फाइंड करना होगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे इन सॉल्यूशन वन के, एक नंबर के सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारे पास? तो कि देखो, सॉल्यूशन और सॉल्यूट, यदि सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसका कितना निकलेगा सॉल्यूट? 25 ग्राम। क्यों? देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 25%। परसेंट ऑलवेज किस में निकलता है? 100 में निकलता है, बराबर। यदि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट कितना रहेगा 25% के हिसाब से? 25 ग्राम। ओके, लेकिन इतना नहीं है, 100 ग्राम नहीं है, कितना है हमारे पास? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम में कितना होगा? ओके, चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 75 ग्राम आएगा। ओके, इसी तरह से सॉल्यूशन टू में अगर कितने दिए है? 40%। तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम होगा, तो सॉल्यूट कितना होगा? 40 ग्राम। ओके, लेकिन 100 ग्राम नहीं है, कितना है? 400 ग्राम है। कितना है? कहाँ पे गया? ये रहा, कितना है? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम में कितना आएगा? कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा? 160 ग्राम। ओके, चलिए अब ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है? मिक्सिंग करना है। तो मिक्सिंग करने के बाद आफ्टर अ मिक्सचर, और आफ्टर अ मिक्सिंग क्या होएगा? आफ्टर अ मिक्सिंग, बराबर है, आफ्टर अ मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, बराबर। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? यहाँ पे कितना मिला था? 75, यहाँ कितना है? 160। दोनों का क्या करो? सम करिए, तो क्या आएगा? 235 ग्राम, मतलब 235 ग्राम। ओके, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो पहले कितना था? 300, और कितना मिला हमको? 400। तो 300 और 400 मिलाकर कितना होता है? 700 ग्राम। ओके, तो टोटल अमाउंट मिल गया 235 ग्राम, और कितना आएगा? 700 ग्राम। बस काम हो गया अपना। अभी आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है? ओके, याद है कि नहीं है? याद है ना क्या होएगा उसका फॉर्मूला? तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मैंने कहा था परसेंटेज होगा तो 100 आएगा, बराबर ऊपर क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, याद है ना बच्चे लोग? ओके, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इन अ फाइनल सॉल्यूशन, बराबर, जो लास्ट में सॉल्यूशन बनता है दोनों को मिलाकर, उसमें से परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फॉर सॉल्यूट। तो क्या करेंगे? सॉल्यूट का वेट बाय टोटल वेट इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आएगा? 33.57। ओके, 57% आएगा। सॉल्यूशन का भी अगर जो अगर आपको निकालना है, बराबर है, किसका? सॉरी, सॉल्यूशन का तो नहीं होगा, क्या आएगा इधर? सॉल्वेंट का आएगा। क्या आएगा? सॉल्वेंट का, बराबर। सॉल्वेंट का भी अगर आपको निकालना है तो इन दिस चैप्टर
बराबर है। मैंने पहले दिन ही कहा था ये चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मिल गया तो सॉल्वेंट का कितना होगा, वेरी सिंपल, 100 - 33.57, तो आंसर कितना आएगा, 66.43%। ओके, समझ में आ गया सभी को। ओके, एक बार रिवीजन कराता हूँ। देखो कैसे हुआ, दो सॉल्यूशन थे, दोनों को मिक्सर करना था, और जो फाइनली जो सॉल्यूशन बनता है उसको हमको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पहले इसमें सॉल्यूट कितना है वो गिना, बाद में ये वाले सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो इसका कैलकुलेट कर दिया। तो दोनों को मिलाकर कितना टोटल सॉल्यूट बनता है वो कैलकुलेट किया, और बाद में सॉल्यूशन टोटल कितना है उसका कैलकुलेशन किया। बाद में जो हमारे पास फॉर्मूला मालूम है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, उसको यूज करके हमने आंसर आंसर क्या किया, फाइंड किया। ओके, चलिए ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी क्या किया है क्वेश्चन में, देखो आईएमपी क्वेश्चन है बराबर, थोड़ा बच्चे लोग सोचना पड़ेगा इसमें क्या है। 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन मतलब में 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सुक्रोज क्या है, प्रेजेंट है। फाइंड द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम प्रति ml। ओके, तो देखिए क्या किया है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वेट होता बराबर तो हमको सिंपल आ जाएगा, बराबर है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू अप्लाई करना था, वैल्यू पुट करना था। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है यहाँ पे 10 ग्राम, तो 10 ग्राम तो हमने लिख दिया, लेकिन हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम से हमको कहाँ भी जाना पड़ेगा, मास में, वेट में जाना पड़ेगा। तो उसका लिए हमको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, तो क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, दिया है डेंसिटी दिया है, बराबर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, याद कीजिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास चाहिए तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम सामने जाएगा इधर, तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम प्रति ml। ओके, इंटू क्या आएगा, 100 ml। देखो यहाँ पे इसका यूनिट भी है ग्राम पर ml, यहाँ पर क्या है 100 ml, ml ml कैंसिल आउट, 1.2 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, 120 ग्राम, 120 ग्राम। ओके, बस ये फॉर्मूला में कीमत अप्लाई करो। ओके, जो भी वैल्यू है उसमें यहाँ पे अप्लाई कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 दिया ही है, ये रहा सॉल्यूट का वेट, बराबर सॉल्यूट है कितना है 10, सॉल्यूशन का टोटल कितना आया मास 120, तो 10 बाय 120 इंटू 100, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, 8.33। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि 100 ml में से हमको कहाँ पे जाना है, मास में जाना है, तो उसके लिए क्या देता है, डेंसिटी दिया हुआ था। ओके, तो हमने परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के 3 एग्जाम्पल देखे, उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो खत्म होता है, उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो है परसेंटेज वी बाय वी। क्या है परसेंटेज वी बाय वी, तो वो भी आज हम स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज वी बाय वी क्या है, तो परसेंटेज वी बाय वी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट। इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजर्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, समझिए क्या है, आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन है, क्या है 100 ml का सॉल्यूशन है, वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ है, बराबर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज वी बाय वी।
ओके यहाँ पे ml है तो सॉल्यूट का भी यूनिट क्या होगा, ml ही होगा, बराबर समझ में आ गया। ओके 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम डिजोल्व है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, परसेंटेज v बाय v, उसको वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये जो डेफिनेशन दी उसका एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है, समझ में आसानी रहेगी। द मीनिंग ऑफ 10% v by v इथेनॉल सॉल्यूशन इज, मतलब में कि 10% v by v इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है उसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो भी परसेंट दिया है वो परसेंट हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का ही होगा, किसका होगा, सॉल्यूट का। ओके तो 10% v, तो 10% v इसका मतलब है 10 ml क्या होगा, इथेनॉल। सॉल्यूशन किसका है, इथेनॉल का है, तो उसका सॉल्यूट कितना होगा, तो ओके 10 ml इथेनॉल, ओके सॉल्यूट होगा इथेनॉल, रेडी। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 100, बराबर डेफिनेशन में टोटल वॉल्यूम कितना है 100, तो 100 में से 10 तो निकल गया, किसका निकल गया, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है ना, बराबर ऐसे है सॉल्यूट। तो 100 में से 10 निकल गया तो बचा कितना, 90, तो 90 क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट। और यदि हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 100, और 100 हमेशा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ओके यहाँ पे लिखा ही है 100 ml सॉल्यूशन, जो परसेंटेज देता है वो परसेंटेज किसका होता है, परसेंटेज ऑलवेज किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। ओके चलिए तो हम परसेंटेज वी बाई वी को फॉर्मूले में, फॉर्मूला यहाँ पे दिया, फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि परसेंटेज वी बाई वी इज इक्वल टू, बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रखना है, ml में, मतलब कि ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन, दोनों से किस में रखना है, ml, और इनटू क्या करना, 100, क्योंकि परसेंट ऑलवेज किस में निकलते हैं, 100 से निकलते हैं। ओके तो ये हमारा एक IMP फॉर्मूला हो गया। यदि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज वी बाई वी का फाइंड करने का लिए बोला है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ओके कौन सा, परसेंटेज वी बाई वी, एक बार रिवीजन, परसेंटेज वी बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसके बाद बच्चे लोग ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला के क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ओके ओके हमने परसेंटेज वी बाय वी का फॉर्मूला देखा, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके जिससे आपसे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, बराबर। एग्जाम्पल वन दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज वी बाय वी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 200 ml इथेनॉल इज डिजोल्व इन 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन, बराबर है, क्या है क्वेश्चन को पहले समझिए बच्चों, पहले समझो क्वेश्चन को, क्या हमसे क्या मांगा है, क्या चाहिए, बराबर। और एक बार अगर आपको आ जाएगा तो फॉर्मूला रख के उसका आंसर फटाफट दे देंगे। क्या दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज वी बाय वी, बराबर। तो जो हमको चाहिए उसका पहले फॉर्मूला लिख दो, तो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वी बाय वी इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ml, बराबर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है, देखो सॉल्यूशन इन विच 200 ml इथेनॉल इज डिजोल्व इन 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब को एक्वियस का क्या मतलब है, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, बराबर। तो 2 लीटर क्या है, ज्यादा है, 2 लीटर की मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वियस, जो हमारा H2O है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, बराबर, और जो इथेनॉल है, इथेनॉल वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट।
बराबर। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 200, लिख दो 200। ओके, और सॉल्वेंट का कितना है, सॉरी सॉल्यूशन का कितना है, यहाँ पे सॉल्वेंट पानी सॉल्वेंट होगा लेकिन जो दोनों को मिलाकर होगा बराबर है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दिया है हमने, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट पानी ही है लेकिन जो 2 लीटर है वो टोटल वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। देखो लिखा है ना इन 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लिखा इधर, क्या लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है। ओके, तो हमको तो एम एल में चाहिए बराबर, तो क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml बराबर। वैल्यू अप्लाई कर दो इधर सॉल्यूशन के वॉल्यूम की इन 200, तो परसेंटेज वी बाई वी क्या आएगा, 10% आ जाएगा। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था बराबर, सिर्फ फॉर्मूला रख के वैल्यू अप्लाई करनी थी फॉर्मूला के अंदर। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि हाउ मेनी एम एल ऑफ केरोसिन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ 15% वी बाई वी केरोसिन इन पेट्रोल सॉल्यूशन बराबर। पेट्रोल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या डालना है, केरोसिन, तो केरोसिन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बराबर। केरोसिन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल क्या सॉरी केरोसिन होगा सॉल्यूट, क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट। और पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाएंगे बराबर, उसका टोटल वॉल्यूम हमको दे दिया है, कितना है टोटल वॉल्यूम, 5 लीटर। ओके, अब फॉर्मूला रख दो, परसेंटेज वी बाई वी इज इक्वल टू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर। क्लियर इतना, ओके चलो, परसेंटेज वी बाई वी कितना दिया है, 15, लिख दो 15। देखो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ओके चलो, 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट वो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो हमको काउंट करना है बराबर, वी एम एल। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, इधर इधर दिया हुआ है 5 लीटर, देखो इधर लिखा है ना, हाउ मेनी एम एल ऑफ केरोसिन, ये तो सॉल्यूट है उसका तो फाइंड करना है ना बराबर। और टू वॉल्यूम का सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर, तो लिख दो 5 लीटर। 5 लीटर तो नहीं चलेगा बराबर, लिखा है यहाँ पे 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 ml। ओके, वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन करो, तो आंसर क्या आएगा, 750 ml। ओके, एकदम सिंपल सिंपल के दो क्वेश्चन थे, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ आ जाएगा। ओके चलिए, तो हमने बच्चों हमने 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म किया और ये हमारा 3रा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बराबर। क्या है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, मतलब कि डब्ल्यू यानी कि वेट, वी यानी कि वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं, परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, डेफिनेशन क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन बराबर, क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन बराबर है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, 100 ग्राम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे गलती है, 100 ml सॉल्यूशन क्या आएगा, 100 ml, क्यों, ओके यहाँ पे ml आएगा बराबर, क्योंकि जो क्या है, जो नीचे वो सॉल्यूशन है ना, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, उसमें क्या आएगा, ml आएगा। ओके, तो 100 ml सॉल्यूशन। ओके, समझो क्या कहा है, आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है, वो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट डिजोल्व किया है, सॉल्यूट का कितना वेट डिजोल्व किया है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। एक बार फिर से, आपके पास मान लीजिए 100 ml पानी है, और 100 ml पानी के अंदर आपने सॉल्ट कितना डाला हुआ है, इन ग्राम, किसमें, इन ग्राम, तो उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना आपने डिसॉल्व किया है, लेकिन सॉल्यूट किसमें रखना है, सॉल्यूट हमको रखना है किसमें रखना है, उसका यूनिट क्या होगा, तो क्या ग्राम होगा बराबर। चलो, मीनिंग समझिए, ये ऊपर की जो डेफिनेशन है क्या कहती है, मान लीजिए कि आप लोग ऐसा लिखा है कि मीनिंग ऑफ 5%
WYV aqueous solution of sugar, बराबर क्या है 5% WYV sugar का solution है, किस में? aqueous यानी कि पानी में। तो उसका मतलब क्या होता है, इज 5 ग्राम sugar। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी परसेंटेज है बच्चों, जो भी परसेंटेज है वो हमेशा किसका दिया होगा, सोल्यूट का दिया होगा, किसका दिया होगा, सोल्यूट का। ओके, तो सोल्यूट 5 ग्राम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो कि 100 ml सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का कुछ लेना देना नहीं है, सॉल्यूशन और क्या है, सॉल्वेंट। ओके, नहीं है, चलिए। तो उसका भी फॉर्मूला बनेगा सेम एज इट इज, ऐसे ही बनेगा, बराबर। क्या था, वी बाई वी था, तो दोनों ऊपर और नीचे क्या आता था, वॉल्यूम आता था। लेकिन अभी यहाँ क्या है, एक वेट है, एक क्या है, वॉल्यूम है। तो ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज है तो 100 तो आएगा ही, इनटू डब्ल्यू, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा, ml। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, बराबर। बच्चों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बराबर। क्वेश्चन में फॉर्मूला याद हो तो गिनती आसान हो जाती है। ओके, तीन फॉर्मूला है, परसेंटेज सबसे पहले क्या चलाया था याद कीजिए, सबसे पहले था परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, दूसरा क्या था परसेंटेज यस, परसेंटेज क्या वी बाई वी, और तीसरा क्या है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ओके, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल भी देखते हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुगर, बराबर, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5% डब्ल्यू बाई वी 2 liter aqueous solution, बराबर। क्या मांगा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ sugar विल बी रिक्वायर्ड टू prepare 5% डब्ल्यू बाई वी 2 liter aqueous solution, यानी कि आपको solution का तो वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 2 liter, आपके पास क्या नहीं है, तो कि जो sugar अंदर dissolve हो गया है उसका वेट नहीं है, यानी कि आपको solute, क्या solute का वेट फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है तो उसका फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज है यानी कि 100 इंटू ऊपर क्या है डब्ल्यू मतलब कि वेट, तो क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ओके, और उसके बाद नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बराबर। वैल्यू पुट कर दो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना है 5, तो इधर लग देंगे 5, 100 ऐसे ही। वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है हमारे पास शुगर का, कितना वेट है वो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे W। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, ml में, लेकिन यहाँ पे क्या कैसे दिया है 2 liter, तो क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे लीटर को ml में, तो 2 liter इज इक्वल टू 2000 ml। ओके, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, W के कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम आपको चाहिए, यानी कि 2 लीटर पानी में, समझना है बराबर, 2 लीटर पानी में आप शुगर का 100 ग्राम वेट डिजोल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, परसेंटेज 5, बराबर 5% डब्ल्यू बाई वी हो जाएगी। ओके, चलिए क्लियर इतना। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, क्या परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, ये क्वेश्चन 1 था, अभी हम क्वेश्चन 2 भी देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है। ओके, इफ द वॉल्यूम, सॉरी, इफ द 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना है, मजा आएगा। और ये क्वेश्चन है वो JEE या नीट की एग्जाम होती है उसमें पूछे जाते हैं। देखिए क्या है आपके पास, तो बच्चों डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है आपके पास, W by W है, लेकिन जाना किस में है, W by V, बराबर। तो जो ऊपर तो W W सेम ही है, नीचे W में से क्या जाना है V, तो आपको मालूम है
मास में से वॉल्यूम में जाना है, क्या करना है, मास में से किस में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय वी। डेंसिटी यानी कि डी, एम एम यानी कि मास, मास बाय वी यानी कि वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, इस फॉर्मूला का आपको यूज करना होगा, बराबर। मास में से किस में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, तो ओके चलिए। तो पहले तो ये समझिए कि 10% ओके चलो, हमने तो यहां से देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी चाहिए, पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा, ml। ओके ये क्लियर इतना, चलिए। तो 100 ऐसे ही, सॉरी क्या है यार, 100 तो 100 है लेकिन आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, तो उसके लिए पहले को ये समझो कि 10% उसका मीनिंग क्या है, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो उसका मीनिंग क्या है, तो 10 ग्राम शुगर है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और 90 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, सॉल्वेंट, क्यों, एक्वियस सॉल्यूशन है इसके लिए, बराबर। चलिए दोनों को मिलाएंगे तो कितना ग्राम आएगा, 100 ग्राम, वो किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, क्लियर इतना, ओके समझ में आ गया। चलिए तो इसमें से हमको क्या फायदा हुआ ये करके, तो बच्चों ऊपर जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको मिल गया, कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम, बराबर। और हमको नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है अभी, क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इसको बताया कि वॉल्यूम में से, सॉरी मास में से वॉल्यूम में कैसे जाते हैं, इस तरह से, तो उसको क्या करने का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया ही होगा, दिया है डेंसिटी, ओके डेंसिटी आपको दिया है, नहीं दिया है, तो डेंसिटी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू, बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम प्रति ml, ओके क्या है, 1.2 ग्राम प्रति ml, ओके चलिए। तो मास कितना है, 100, डेंसिटी मैंने लिख दिया कितना है, 1.2 ग्राम प्रति ml, ओके चलिए। इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों, वहां से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, देखो 100 तो 100, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, तो 10 लग दिया, बराबर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 100 बाय 1.2, तो 100 बाय 1.2, 100 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बराबर, ये 1.2 ऊपर जाएगा, तो 10 into 1.2, तो क्या होगा, 12% होगा, ओके तो ये आ गया हमारा आंसर। तो याद रखना हमेशा मास में से अगर हमको किस में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी वो क्वेश्चन में दिया ही होगा, ओके रेडी।